हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी लोगों को मेरे प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत आप सभी का अपने उत्तराखंड में, अपने देवभूमि उत्तराखंड में। और अभी फ़िलहाल हूँ मैं चुपता वैली में, मतलब चुपता की साइड जा रहे हैं। तो ब्लॉग मैं घर पे तो स्टार्ट नहीं कर पाई जल्दीबाजी में, पर अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो चुपता जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, और तो प्लान बनी गया तो हमने कैंसिल भी नहीं किया प्लान। तो दोस्तों, अभी हम मैगी खाने के लिए रुके हुए, तो यहाँ पे इतना प्यारा डॉगी है, डॉगी डॉगी। ओ अरे 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 अरे, कैसा लग रहा है आपको? ठंडा लग रहा है। हेलो कर, देखिए हेलो कर, हेलो तीनों की छो तीनों नहीं बताए। तो इस होटल के यहाँ पे कितना प्यारा सा दिल से पहाड़ी, और इतना प्यारा यहाँ पे डेकोरेशन, फोटो शूट के लिए। वाह वाह, की मैगी आ चुकी है गाइस। अभी दोस्तों आगे तो गाड़ी जा नहीं पाएगी, इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। सारी यात्री लोग ये जा रहे हैं आगे। हाँ, हम लोग इधर ही तक बस ऐसे हम लोग। हम काली मसाला खा हो रहे हैं, हम जरा चल चल चुप छप छप छप। आज इन जूतों को बस यहीं तक सफर रहेगा। तो अभी दोस्तों हम ना प्रॉपर चुपता में नहीं पहुँचे हैं, दुगल बिट्टा से थोड़ा आगे हैं, बट यहाँ गाड़ियाँ जा नहीं रही है ना, क्योंकि यहाँ लाइव स्नो फॉल आपको देखने को मिल रही होगी। देखो, और आदि आदि लोग आगे चल रहे हैं। तो ये देखो, यो छप छप पानी में, एक मछली पानी में गई छपा। ये देखो गाइस, यो पर ठंडा 1% भी नहीं लग रहा, क्योंकि हम इतने बूझे हुए ना, पैरों पे लग रहा भाई, मेरे नहीं लग रहा। मैं दो सॉक्स पहने। तो गाइस, तो गाइस आप लोगों को जानना होगा ये बार आज कितनी तारीख को यहाँ पड़ रही है, तो बता दे, बोल ले। 3 मार्च की तो अब यहाँ से नीचे जा। हाँ, तो ये देख सकते हो बर्फ, और इन वादियों में हम दोनों पागलों की तरह दौड़े। यात्रा को लग रहा है यार ये इतनी जल्दी कैसे पागल है। तो गाइस आज डेट है 3 मार्च, 3 मार्च को यहाँ लाइव स्नोफॉल देखने को हमें मिल रही है। 3 मार्च 2024। तब आगे की सांस फूल रही। भाई ये क्या है, मगर 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 तब करेंगे, ऐसे बनाएंगे, मतलब ऐसे खेलने वाले भी लेंगे तो कोई ऐसे। हाँ, ये कर रहा जरूरी है। तूने भी तो यही किया। कॉफी थोड़े करना है? नहीं है, कॉफी वेस्ट करूंगी तो सेम हो जाएगा ना। तो अभी दोस्तों धूप भी आ गई, सामने पे देखो धूप भी आ गई है। थोड़ी देर पहले तक स्नोफॉल होती थी, और अभी तक अब धूप भी आ गई है, और बहुत ही प्यारा कितना प्यारा मौसम हो गया है। तो दोस्तों हमने बहुत सारी फोटोज और
अलगा और मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस बना ली हैं, इंस्टाग्राम पे डाल देंगी जब तक तो ये ब्लॉग आएगा, तब तक इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो चुकी होंगी। तो इंस्टाग्राम आईडी है हमारी आरती रावत ब्लॉग्स और अलका नेगी। तो हमारा कोई प्लान व्लान तो नहीं था, बट एक भैया जी हैं जो कि हमेशा बुकिंग यहाँ लाते रहते हैं, तो उन्होंने हम वो कहते रहते कि चुपते चलो, और दिन तो हमारी छुट्टी रहती नहीं, तो हमने सोचा संडे के दिन चलते हैं। तो वो भैया जी हमें ला गए, वो तो यात्रियों के लिए आ रहे थे, इसलिए वो यात्रियों के लिए आगे चले गए। मैं तो यात्रियों को लेके हम यहाँ पे वीडियोस फोटोस बना रहे हैं, और यात्री लोग बोल रहे फोटो खींचो, अलका उनकी फ़ोटो खींचने पर लगी हुई है। अभी हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह ले ली हैं, और यहाँ से हम मतलब ऊपर तुंगना, जो कि आपको पता है महादेव का सबसे हाईएस्ट मंदिर है, मतलब सबसे ऊंचाई पर जो मंदिर है तुंगनाथ का है, तो वहाँ तो हम जाएंगे नहीं ट्रैकिंग के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रैक हमने बहुत बार किया है और बर्फ में भी जा रखे हैं तुंगनाथ तक, तो आज तो उतना जाएंगे नहीं। और सामने देखो कितना प्यारा मौसम दिख रहा है, और धूप आ रही है, मतलब अब स्नो फॉल नहीं हो रही, पर ठंडा मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि हम इतने बुझे हुए आ रखे हैं ना कि ठंडे का कोई नाम ही नहीं है। और कल की फ़ोटो शूट ही नहीं हो रही है, ख़त्म। तो दोस्तों तुंगनाथ जो है ना, ऊपर पे चोटी दिख रही है, जहाँ पर मेरा हाथ है, वहीं पर तुंगनाथ मंदिर है। अलगा कैसा लग रहा है आपको? हम ज़्यादा आगे नहीं जा रहे, बिकॉज हमें आगे जाके करने क्या है, तुंगनाथ हमें जाना है नहीं। देख सकते हो गाइस यहाँ पूरे टेंट वगैरह लग रहे हैं, और ट्रैकिंग आप यहाँ आके ट्रैकिंग कर सकते हो, तुंगनाथ बाबा की वहाँ की ट्रैकिंग है पूरी यहाँ के लिए। दोस्तों यहाँ ना हर किसी की गाड़ियाँ फंस रही है, और फिर से स्नो फॉल होने शुरू हो चुकी है, ये गाड़ी भी यहाँ फंस रही है, बड़ी मुश्किल से निकली है, तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो बस यहाँ गाड़ियाँ फंस रही हैं, क्या कर सकते हैं हम। और फिर से अब घर जाने की तैयारी तो हो गई है, पर कुछ खा लेते हैं उससे पहले। चेस कर चाहिएगा। तो गाइस अभी हमारी चाय और मैगी आ गई है, और आप लोग बोलेंगे सुबह मैगी खाई, अभी मैगी खाई, कुछ और बन के। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी खाना है तो या तो प्रॉपर छत्ता में आपको खाना वगैरह मिलेगा, दाल चावल कुछ भी, पराठे कुछ भी, या और देखो आपको मैगी ही मिलेगी। तो चाय चुई पीने के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ फोटोशूट करने के लिए, क्योंकि ऊपर तो हम प्रॉपर जब तक तो गए नहीं, गाड़ियों को धक्का मार के गए, और कुछ जो यात्री गए थे वो अब नीचे भी आने वाले हैं, तो तब चलेंगे हम घर, तब तक हम यहाँ ऊपर फोटो शूट करते हैं। ओए अलका जल्दी। तो दोस्तों हो ऐसा रहा ना, हमें आराम से वीडियोस वगैरह बनानी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें आने में टाइम लग रहा है, क्योंकि वो ऊपर शायद पता नहीं ऊपर गए भी गए नहीं होंगे, तुंगनाथ प्रॉपर गए होंगे ना वो यात्री वगैरह, तो गाड़ी वापस तो यात्रियों को लेके ही जाएगी, तो हम भी चल रहे हैं जल्दी जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ ऊपर देखो बर्फबारी फिर से होने बैठ गई है, पूरे जंगलों में फिर से बर्फबारी होने बैठ गई है, तो जस्ट हमारे यात्री भी आने ही वाले हैं अब। तो अलग दो बार नीचे गिरी, मैं कैप्चर नहीं कर पाई, फिर से नीचे गिरा,
तो यहाँ फिर से ना बर्फबारी होने लग गई है फिर से। अब हम चलते हैं, निकलते हैं। तो इस लड़की के सर पे देख सकते हो बर्फ गिरी हुई है, फिर से बर्फ गिरने लग गई है। तो हमने यहाँ पे खाई मैगी, हम निकलते हैं घर के लिए। यात्री लोग भी आ गए हैं तो अब हम भी बैठते हैं। तो अभी देखो फिर से बर्फबारी शुरू हो गई गाइस। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर में और हम घर आए थे उसके बाद मैं खाना खा रही हूँ यहाँ पे, और मटर आलू की सब्जी बनी हुई है। यहाँ पे मेरी नानी भी चाट रही है, यहाँ पे मेरी दीदी भी सतवा रही है, मेरा भाई तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों अभी आई होप आपको आज की ठंड पसंद आई होगी। खैर हमें तो ठंड लगी नहीं, अभी लग रही है। अरे मसान के तब तो दोस्तों देखो मेरे घर में ये रिस्पेक्ट है, मेरे भाई मुझे मसान बोल रहा है। आई होप आपने एंजॉय किया, एंजॉय के वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय।